नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ पिछली वीडियो में पढ़ाया गया बल तथा घर्षण आपको समझ आ गया होगा। तो आइए उसके दूसरे अंश पर चलते हैं और गति के नियमों को जानते हैं। इस वीडियो में हम गति के प्रथम नियम को देखेंगे। गति के नियमों को न्यूटन सर ने हमें दिया था। यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह न्यूटन सर की है, जिन्होंने गति के नियम के साथ साथ और भी काफी सारे नियम दिए हैं। और इस वीडियो में हम जड़त्व तथा द्रव्यमान भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं गति के प्रथम नियम के साथ और एक उदाहरण से समझते हैं प्रथम नियम को। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि इस गेंद के ऊपर कुछ बल लगाया गया लात से मार के, और वह गेंद आगे की ओर रेखा में बढ़ती चली गई सामान्य गति से, और कुछ दूर जाके वह गेंद रुक गई। तो वहां बैठे न्यूटन सर ने इस प्रयोग को देखा, इस चीज को देखा, और देख के उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ। और फिर उन्होंने अपना प्रथम नियम दिया, जो कि हमें यह बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो रहा हो। एक बार फिर से पढ़ूंगा, गति का प्रथम नियम यह बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो रहा हो। आइए इसे और विस्तार में जानें। इसे हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी, और अगर वह गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहेगी। हम स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में ले जाना चाहेंगे तो वह उसका विरोध करेगी। आइए इसे देखते हैं और क्या कहा जा सकता है। तो गुणात्मक रूप में हम इसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। जी हां, जो मैंने बताया कि अपनी अवस्था को परिवर्तन करने में विरोध करेगी, यानी कि उसकी अवस्था अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और अगर गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, तो इस अवस्था को हम जड़त्व कहते हैं। आइए दोस्तों इसे एक दैनिक जीवन में लिए गए उदाहरण से समझाते हैं। यह प्रयोग आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा या खुद भी किया होगा। जी हां, जीती सिक्का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखते हैं और उसके ऊपर सिक्के को रख देते हैं, और फिर हम जब उस कार्डबोर्ड के ऊपर मारते हैं साइड से जोर से, तो वह सिक्का उसी जगह नीचे ग्लास में गिर जाता है और कार्डबोर्ड उड़ जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इस प्रयोग में हमें एक सिक्का चाहिए होगा, एक ग्लास चाहिए होगा और एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा। तो अब इस कार्डबोर्ड को हम ग्लास के ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर उस सिक्के को रखते हैं, तो क्या देखेंगे दोस्तों कि जब हम कार्डबोर्ड को मारते हैं तो वह सिक्का उसी जगह नीचे ग्लास में गिर जाता है। तो वह ग्लास में गिरता है जड़त्व की वजह से। जी हाँ दोस्तों, यही बताता है हमें न्यूटन का गति का पहला नियम। आइए इसे और एक उदाहरण से समझें। जब भी हम कभी बस में कहीं भी यात्रा करते हैं तो बस जब शुरू होती है उस टाइम हमें पीछे की ओर एक झटका लगता है। क्या आपने कभी सोचा है यह झटका क्यों लगता है? तो आइए इसे भी जानें। इसमें हम देख रहे हैं कि एक यात्री इस बस में जो ट्रेवल कर रहा है वो बस के शुरू होते ही उसे झटका लगा है। आप जानते हैं क्यों लगा है? जी हाँ दोस्तों, वह भी जड़त्व के ही कारण लगा है। जब वह यात्री आगे की ओर जाता है तो जब बस आगे की ओर बढ़ती है तो उस व्यक्ति का नीचे का भाग, वह क्योंकि
उस बस के संबंध में रहता है वह आगे की ओर जाता है, जबकि ऊपर शरीर का ऊपरी भाग अपने ही जगह पे रहता है। इसलिए जब नीचे से बस चलती है तो हमारा पांव क्योंकि बस के संबंध में है, तो इसलिए वह जड़त्व के कारण हमारा ऊपर का शरीर झटका खाता है। और देखते हैं हम कि जब बस बहुत ही तेजी से चल रही है तो अचानक से अगर दाहिनी तरफ बस मुड़ती है तो हमें बाईं तरफ मुड़ जाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जब बस ब्रेक लगाती है तब भी हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा भी दोस्तों सही जाना आपने, यह भी जड़त्व के ही कारण होता है। इसमें भी हमारा पांव क्योंकि वह उसके बस के संबंध में रहता है तो बस जब रुकती है तो वह भी पांव भी रुकती है, लेकिन हमारा ऊपर का शरीर अभी भी वह गतिमान रहता है। इसलिए जब बस रुकती है तो हमारा ऊपर का शरीर झटका खा के आगे की ओर झुक जाता है। आशा करता हूं आपको जड़त्व समझ आ गया होगा। और जो सबसे पहला उदाहरण हमने फुटबॉल वाला लिया था, आइए उसको जरा विस्तार में जानते हैं। अब उसमें हमने यह देखा कि फुटबॉल जब जमीन पे गिरता है तो वह कुछ दूर जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में घर्षण बताया था, तो उस घर्षण के कारण ही वह बॉल रुक जाता है। आइए दोस्तों अब जड़त्व तथा द्रव्यमान को देखें। वस्तु चाहे विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जैसा कि मैंने बताया था, और इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल पता नहीं आया कि नहीं, मेरे मन में तो यह जरूर आया था कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। इस उदाहरण में यह देखिए, यह शीशे का जो बर्तन है, कांच का जो बर्तन है, इसमें पूरा पानी भर के हमने रखा है और इसके नीचे एक कागज रखा है। तो अब हम जब इस कागज को जोर से खींचेंगे तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, पानी कम करके खींचेंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा, अथवा खाली करके खींचेंगे तो और भी कम बल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमने पानी कम किया उस बर्तन में, वैसे वैसे हमारा बल कम होता गया, हमारा जड़त्व जो लगाना था वो कम होता गया। तो हम यह कह सकते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान को हम निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है, जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि द्रव्यमान जो है वही उसके जड़त्व का माप है। जैसा कि पिछले उदाहरण में आपने देखा कि जितना ज्यादा द्रव्यमान यानी कि जितना ज्यादा वजन था उसका, उतना ही ज्यादा हमें जड़त्व लगाना पड़ रहा था, और जैसे जैसे वजन कम हुआ हमारा जड़त्व कम होता चला गया। आशा करता हूं दोस्तों गति के पहले नियम आपको समझ में आ गया होगा और जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम को देखा और हमने जड़त्व तथा द्रव्यमान को देखा। धन्यवाद दोस्तों।